नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। जैसे कि हम सभी जानते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और आज युद्ध का 10वां दिन है। वहां के लोगों को अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना पड़ रहा है। वहाँ इतनी तबाही मची है कि लोगों को अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे जगह में शिफ्ट होना पड़ रहा है। वहीं हज़ारों की संख्या पे भारतीय छात्र भी पढ़ने गए हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, और वो भी वहाँ यूक्रेन और रूस के बीच की युद्ध में वहाँ फंस चुके हैं। इसी के चलते सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाई, जिस वजह से सारे भारतीय छात्रों को भारत लाया जाएगा। इसी कड़ी में उत्तराखंड के भी वहाँ बहुत सारे छात्र फंसे हुए थे, और हल्द्वानी की एक छात्र कल ही रात यहाँ पहुँची हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है वहाँ का हाल। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। और मैं यूक्रेन से लगभग 26 को चली थी, और हम लोग कल 4 की सुबह पहुँचे। लगभग 7 दिन के बाद हम अपने घर पहुँचे। तो आपको कैसा लग रहा है अपने घर आके? घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। इसे हम लोग फिजिकली तो बहुत टायर्ड है वॉर सिचुएशन से, मेंटली बहुत टायर्ड थे, बट घर आके एक सुकून की राहत मिली कि हाँ, हम अपने वतन आ गए, अपने घर आ गए हैं। और ये राहत बहुत अच्छा लग रहा है कि बुरा तो लग ही रहा है कि हम वहाँ यूक्रेन के साथ, हम यूक्रेन निवासियों के साथ उनकी वॉर सिचुएशन में उनके बुरे टाइम पे थे, पर अब वहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि हम एक एक करके सब यूक्रेनियंस भी निकल रहे थे अपने घर से, अपने शेल्टर से, तो निकलना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो आप वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से यूनिवर्सिटी में और कहाँ पे? मैं यूक्रेन में वेनिसिया सिटी की वेनिसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हूँ, और मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। और मैं वहाँ गई थी लगभग 2019 में। कैपिटल से हमारी यूनिवर्सिटी पढ़ती है 300 किलोमीटर के दूर पे लगभग, सो और कील 300 किलोमीटर बाय लगती है। बाय बस से जाओ तो आपको 6 घंटे लग जाते हैं, और कीव हमारे से इतनी दूर पड़ती है, लेकिन तब भी वहाँ इतना ख़तरा था, हमें भी बहुत ख़तरा लग गया था। तभी हमारे माँ बाप भी इतने परेशान हो गए थे कि वापस आओ। विनिसा में भले ही एक हमारा मिलिट्री टैंक है, तब वो भी उड़ा दिया गया था, और उसके बाद भी हमें बहुत डर लग रहा था कि क्या करें, कैसे होगा बाकी का सब कुछ। हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारा जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ विनिसा एरिया में ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ खतरे वाली बात ही नहीं है। बस एक ही मिलिट्री टैंक है, वो भी उन्होंने उड़ा दिया था 25 की सुबह को, और वो भी उड़ गया था। उसके बाद भी कुछ खतरा था नहीं, पर जैसे जैसे कीव की माँ बाप हमारे सुन रहे थे कीव की न्यूज़, खारकीव की न्यूज़, तो वो सब उसको देखते देखते उन्हें भी डर लग गया कि हाँ, हमें भी अपने बच्चे को बुला लेना चाहिए, डर की बात हो गई थी। और दूसरी चीज़ ये कि आप कह रहे हो कि बुलाया क्यों नहीं, इंडियन एम्बेसी ने हमें एडवाइजरी दी थी, कंपलसरी नहीं किया था कुछ भी कि आप निकलो। जैसे यूएसए गवर्नमेंट ने अपने इंडियन बच्चों को बोला था कि आप निकल जाओ, कंपलसरी कर दिया गया था, ये इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया था, क्योंकि हम और इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी ये निकाली थी कि जो जो बच्चे निकलना चाहते हैं और जिनका यहाँ रहना अभी आवश्यकता नहीं है, निकलना यहाँ पे रहना ज़रूरी नहीं है, और जो निकल सकता है वो जा सकते हैं। जैसे कि हमारा 3rd ईयर में हमारा पेपर होता है 1 जुलाई में, क्रॉक कहते हैं जिसको, वो पेपर होना था, जिसके कारण हम लोग वहीं रुके थे, हम और 6th ईयर के। तो फिर आप लोग कैसे, जब स्टार्ट हुआ वॉर तो आप लोग कहाँ थे, आप कहाँ थे? हम लोग अपने अपने घर ही में थे और सुरक्षित थे अपने अपने घर में। हमारे वहाँ सायरन बजता था, उसको सुन के हम निकलते थे, नीचे सेफ हाउस बने थे, वहाँ बैठे रहते थे, जब क्लीन साउंड आ जाती थी उसी हद घर आ जाते थे वापस। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने वहाँ पे खाने पीने का कैसे, आपको क्या वहाँ की सरकार ने कुछ सुविधा प्रोवाइड करवाई थी, या आपने खुद ही अपना, मतलब कैसे एडजस्टमेंट किया खाने पीने का? हमारे यहाँ, जैसे हम स्टार्टिंग से बताते हैं आपको, हमारे यहाँ 24 से लगभग सायरन बजना शुरू हो गया था, तो 24 से वहाँ पे बहुत हबड़ दबड़ हो गई थी, बहुत बद्दड़ हो गई थी रिगार्डिंग फूड, पैसे, पानी, सब चीज़ के लिए, क्योंकि हमें ड्रिंकिंग वाटर हमें ख़रीदना पड़ता है। तो
वहाँ एटीएम के पीछे लाइन लगी थी, खाने के पीछे लाइन लगी थी। सो उस चीज़ के उसमें बहुत से लोग हबड़ तबड़ में ना पैसे निकल पाए बहुतों के, ना बहुतों के फूड ले पाए सही से। उसके बाद हम 25 को आते हैं, बहुत दिन फिर सुबह सुबह हमारे यहाँ सायरन बजते थे, सुबह 4 बजे सायरन की आवाज़ से हम लोग उठा करते थे। ऑलमोस्ट 3-4 दिन हम ऐसे उठे हैं डर के उससे। फिर हम आते हैं 26 को हमारे यहाँ लगभग 25 की रात को भी हमारे यहाँ, रात को तो इतना मुश्किल हो जाता था दिन रात काटने की क्या बताऊँ, दिन भर तो हमारा कट जाता था रिगार्डिंग फ़ोन आ गया किसी के या फिर वो कुछ। अब रात जिसमें काटने मुश्किल हो जाती थी कि वहाँ सब बच्चे हमारी तरह ही, अब हम किसको किसको हिम्मत दे, खुद भी डरे हुए हैं, दूसरा जना भी डरा हुआ है कैसे हम, लेकिन हम लोग एक दूसरे को हिम्मत देते देते काम चलाते थे। 26 की रात क्या हुआ कि हमारे यहाँ सायरन बजा लगभग 11 बजे। हमने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, क्लियर साउंड आ गई थी 12-12.5 बजे तक सुन के वापस आ गए थे हम, फिर सो गए। और फिर सुबह बजी 4 बजे, 4 बजे फिर हमने कहा कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही लेटे हुए थे। फिर 8 बजे फिर सुनी गई थी हमें सायरन की आवाज़, तो उस टाइम हमें सबको लगा कि हाँ अब घर चलना चाहिए, अब यहाँ रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। तो आप लोग कैसे बाहर निकल के आए उस जगह से? वहाँ से हमने वेनेत्सा से हमने सोचा कि पोलैंड, हमें तब तक न्यूज़ आ गई थी कि पोलैंड में बहुत बच्चे फंसे हुए हैं अभी भी। सो हम सब ने सोचा कि रोमानिया बॉर्डर जाएंगे या हंगरी बॉर्डर जाएंगे। तो वहाँ से हमने 26 को दोपहर की खुद ही हम बच्चों ने खुद ही इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए इसमें कुछ हेल्प नहीं करी है, खुद हम सब ने अपने लिए बस निकाली थी, बस एडजस्ट करी। फिर हम 1:30 बजे हमारी बस थी, वहाँ से बस से हम लोग चन्नीवसी गए, 6 घंटे का रास्ता था। रात को 2 बजे वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पे कुछ चन्नीवसी के लोग थे वहाँ पे, इंडियंस जो हमारे साथ के थे उनने वहाँ हमारी हेल्प करी थोड़ी बहुत रिगार्डिंग फूड, और हमें शेल्टर प्रोवाइड किया था वहाँ से। फिर हम ही एक लकी बच्चे थे तो हमें प्रोवाइड किया और किसी को नहीं प्रोवाइड किया गया था। और सेकेंडली हमारे बाद भी बहुत बसेस थी 4-5, वो सीधा बॉर्डर गई हैं, उन्होंने पूरी 3 रात देखी हैं, हमने तो भले ही सिर्फ 2 रात देखी, उन्होंने 3-4 रात देखी हैं। और उस ठंड के मौसम में वहाँ स्नोफॉल भी हो गई थी तो बच्चों ने स्नोफॉल भी देखी है वहाँ, उन्होंने एयर शॉट देखे हैं। इस चक्कर से एयर शॉट्स इसलिए देखे हैं क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ हो गई थी तो सोल्जर्स वहाँ एयर शॉट्स कर दे रहे थे। तो वहाँ अभी कैसी हालत है, मतलब अभी और भी बच्चे हैं वहाँ या आप लोग सब लोग आ चुके हैं? वहाँ पर अभी खारकीव, सुमी, कीव और ओडेसा, ये 4 जगह अभी भी बच्चे लाखों में फंसे हैं, लाखों में फंसे हुए। मेरे पास अभी भी वीडियोस हैं कि सुमी के बच्चे और ओडेसा के बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, हमें हेल्प चाहिए। सो लाखों के तार में फंसे हुए हैं सुमी, खारकीव और ओडेसा के बच्चे, और हम चाह रहे हैं कि वहाँ के बच्चों को जल्द से जल्द निकाला जाए और निकल जाए सेफली। क्योंकि अभी आपने भी सुना होगा कि एक खारकीव के बच्चे की मृत्यु हो गई गनशॉट के उससे, और एक और बच्चे की वेनेत्सा का ही हमारा इस यूनिवर्सिटी का ही बच्चा था, कोमा में था वो, 2nd फेब से था, उसके फादर गए थे और अभी उसकी मेडिकल एमरजेंसी का स्टूडेंट था वो, उसको प्रोवाइड नहीं हो पाई मेडिकल हेल्प, सो इसलिए उसकी डेथ हो गई। बट हाँ, अगर वॉर सिचुएशन नहीं होती, उसको मेडिकल हेल्प सही से टाइम से मिल जाती तो वो भी आ जाता, वो भी जिंदा होता, वो डॉक्टर भी हमारे साथ, यही है। तो जैसे कि हमने आपसे यूक्रेन के मेडिकल छात्र अंजलि से बात कराई और वहाँ की हालातों के बारे में आपको बताया कि वहाँ के हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं, अभी आधे से ज़्यादा बच्चे यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं भारतीय, और आधे बच्चे अभी पहुँच चुके हैं। और जैसे कि आपको बताया गया है कि यूक्रेन में 2 भारतीय छात्र की मौत भी हो चुकी है और ये प्रोसेस अभी भी जारी है बच्चों को लाने का। ऐसी ही खास खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN News। नमस्कार।